बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, दुनिया में बहुत सारे इकोनॉमिक ब्लॉक्स बने हुए हैं, लेकिन अगर आप टॉप के दो या तीन इकोनॉमिक ब्लॉक्स देखेंगे तो उसमें ब्रिक्स भी आपको नज़र आएगा। मेरे हिसाब से ये मुस्तकबिल का जो सबसे बड़ा अलाइंस होगा ना, इकोनॉमिक अलाइंस, वो यही होगा ब्रिक्स। ये G20, G5, ये सारा भूल जाएंगे आप, फ्यूचर इसका है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो दुनिया की 8 अरब आबादी है और 8 अरब आबादी में से 3.2 बिलियन जो लोग हैं वो ब्रिक्स अलाइंस के ममालिक का हिस्सा हैं। इतनी बड़ी इसकी रीच है। और अगर आप एरिया भी देखें, टेरिटरी, तो दुनिया की कुल टेरिटरी का 26.7% जो हिस्सा है वो ब्रिक्स मुल्कों पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अलायंस है और सोने पर सुहागा ये है कि दिन ब दिन ये बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी भी इसका जो इजलास होने जा रहा है उसके अंदर मेंबर्स की शमूलियत एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसके अंदर मौजूदा जो इसका एक शक्ल अगर आप देखें तो इसमें ब्राज़ील है, इसमें इंडिया है, इसमें चाइना है, इसमें रशिया है और इसमें साउथ अफ्रीका है। अब जब ये ग्रो कर रहा है ना, तो इसके अंदर जो पावर बैलेंस बना हुआ है, इंडिया भी समझ रहा होता है कि हमारा यहाँ पर बड़ा इन्फ्लुएंस है ब्रिक्स के अंदर। लेकिन अब इंडिया को कंसर्न यह है कि जब ये ग्रो करेगा, जो कि डेफिनेटली इसने करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मुल्कों ने एप्लीकेशन दे रखी है कि हमने यहाँ पर आना है, तो इंडिया ये समझ रहा है कि उनका इन्फ्लुएंस ना धबरदूस हो जाए। बहुत सारे जो नए मेंबर जिन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई हैं वो थोड़ा सा चाइना के करीब हैं, इंडिया के करीब नहीं है। तो इंडिया समझ रहा है कि अभी हमारी डोमिनेंस है थोड़ी सी इसके ऊपर और चाइना के मुकाबले के हैं हम भी वहाँ पर ब्रिक्स में। तो अगर नए मुल्क आ जाएंगे तो वो नए मुल्क चाइना के करीब हैं तो हम किधर जाएंगे। बांग्लादेश ने इसके अंदर एप्लीकेशन डाली हुई है और बांग्लादेश के लिए कहा जा रहा है कि अगस्त के अंदर बांग्लादेश ब्रिक्स का हिस्सा बनेगा। डेली स्टार बांग्लादेश का बड़ा न्यूज आउटलेट है, इन्होंने इस पर रिपोर्ट किया है कि हाउ बांग्लादेश कैन बेनिफिट बाय ज्वाइनिंग ब्रिक्स। इन अप्रैल दिस ईयर साउथ अफ्रीका ब्रिक्स एम्बेसिडर अनिल सुखलाल टोल्ड ब्लूमबर्ग दैट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नेशंस वर नाउ लुकिंग टू ज्वाइन द ब्लॉक। और द डेली स्टार कहता है कि अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री, बांग्लादेश विल अप्लाई टू ज्वाइन द ब्रिक्स अलायंस एंड द प्रोसेस टू formally seek its membership is already underway. Earlier foreign minister AK Abdul Momen said Bangladesh would welcome if BRICS formally invited it to join the grouping of 5 member states, Brazil, Russia, India, China and South Africa. Having previously hinted that Bangladesh is likely to become a member of the bloc in August this year. Thoda sa western countries ka inke upar pressure zarur hai कि आप इस प्रो चाइना ग्रुपिंग से दूर रहे, लेकिन बांग्लादेश का मानना है कि अगर हमें इनवाइट किया गया तो हम अगस्त तक इसके अंदर शामिल होंगे। इसका एक बैंक भी है अपना, ब्रिक्स का अपना बैंक भी है और अभी तक वो बैंक $33 बिलियन दे चुका है 96 प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कंप्लीट करने के लिए। $36 बिलियन दे चुका है और इसके अंदर बहुत सारे मालदार मुल्क भी आने वाले हैं, जिससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि ये जो ब्रिक्स का बैंक है ये मज़ीद बड़ा होगा और इसकी जो लैंडिंग कैपेबिलिटी है वो मज़ीद ग्रो करेगी। और टॉप ऑफ दैट एक बहुत बड़ी चीज़ ये होने जा रही है कि ब्रिक्स हो सकता है कि अपनी करेंसी लॉन्च कर दे, ये भी मुमकिन है। इस पर भी बातचीत हो रही है कि आगे चलकर डॉलर को कम्पीट करने के लिए ब्रिक्स अपनी करेंसी लाने वाला है, जो कि दुनिया में एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। अप्रैल में फॉरेन पॉलिसी ने लिखा था कि अ ब्रिक्स करेंसी कुड शेक द डॉलर्स डोमिनेंस, डी डॉलराइजेशन मूवमेंट माइट फाइनली बी हेयर। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी अभी डिले है, थोड़ा वक्त लगेगा, ये फौरी तौर पर नहीं आने वाली। अगर ये आएगी भी तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फौरी तौर पर नहीं आएगी। इसके अंदर मजीद जब मुल्क आएंगे ब्रिक्स के अंदर और जब ब्रिक्स ग्रो करेगा, ब्रिक्स का बैंक भी ग्रो करेगा, फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये इस तरह के प्लान्स होंगे। लेकिन फौरी तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि ये जाएंगे डॉलर के मुकाबले की करेंसी लाने के लिए, थोड़ी सी इसमें वेट करना पड़ेगा। नाउ जो इंडिया चैलेंज फेस कर रहा है, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की, उस पर आते हैं। बांग्लादेश, मतलब अगर आप देखें तो ट्रेड के हवाले से चाइना पे डिपेंडेंट है, इम्पोर्ट के हवाले से सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश का चाइना है।
तो बांग्लादेश अगर ब्रिक्स में आता है, उसके साथ जो दूसरे मुल्क आ रहे हैं, जरा उनकी लिस्ट देखिए कौन से मुल्क हैं, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया की परेशानी जायज है या नहीं है। बात सिर्फ बांग्लादेश तक महदूद नहीं है, बांग्लादेश तक अगर बात होती तो इंडिया शायद फिर भी कंफर्टेबल होता कि थोड़ा सा इनको अपनी तरफ हम भी कर सकते हैं, हमारा भी इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में। लेकिन इसके अंदर जो मुल्क आ रहे हैं उसमें नंबर वन पे जो कि ऑलमोस्ट सर्टन भी है वो है सऊदी अरेबिया और ईरान। ये ऑलमोस्ट सर्टन है कि ये आ जाएंगे इसके अंदर और जल्द आ जाएंगे, सऊदी और ईरान। अब आप जानते हैं कि दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर, इंडिया से ज़्यादा असर चाइना का है सऊदी पे और ईरान पे। तो इंडिया समझ रहा है कि अगर ये आ जाएंगे यहाँ पर तो हम किधर खड़े होंगे भाई, मतलब हमारा क्या होगा। फिर इसके अंदर यूएई आएगा, फिर इसके अंदर बहरीन आएगा और फिर इसके अंदर सीरिया आएगा। ये वो मुल्क हैं जहाँ पर या तो आपको चाइना मिलता है या फिर रशिया मिलता है। इसके अलावा अल्जीरिया इसके अंदर आना चाहता है और अल्जीरिया के ऊपर इंडिया का तो कोई ख़ास असर है नहीं अल्जीरिया के ऊपर भी। और इजिप्ट भी आ रहा है यहाँ पर, इजिप्ट ने भी दरख्वास्तें दी हुई हैं कि हमें भी अगर इसके अंदर शामिल कर लें, और इंडोनेशिया भी आएगा। इसके चलते इंडिया को प्रॉब्लम है कि यार फिर हमारा क्या बनेगा, हमारी जो वैल्यू इस वक्त है, अभी तो 5 मेंबर थे ना सर, तो कह रहे अभी हमारी जो वैल्यू है वो तो डाउन हो जाएगी। तो इस पे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि व्हाई इंडिया इज वरी ऑफ चाइनाज ब्रिक्स एक्सपेंशन पुश एज इंडोनेशिया सऊदी अरेबिया इजिप्ट सीक टू ज्वाइन। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लगाई हुई खबर, कहते हैं कि नीदर इंडिया नॉर ब्राजील वॉन्ट टू लूज इन्फ्लुएंस इन द ब्लॉक with New Delhi concerned that enlargement would only grow Beijing's strategic influence. All current members share a desire to reform the international system, analysts say, but a new world order is mostly in Russia and China's interests. तो ये सूरत हाल बनी हुई है कि प्रो चाइना प्रो रशिया मुल्कों की लाइन लगी हुई है जो कि ब्रिक्स के अंदर आना चाहते हैं, और इंडिया यहाँ पर आके फंस गया है कि फिर हमारा रोल किधर होगा। अच्छा, प्रो इंडिया मुल्क कौन सा है? तो मैं सोच रहा था कि चलें इनको बैलेंस करने के लिए अगर हम कहें कि प्रो इंडिया मुल्कों को शामिल भी किया जाए तो वो इंडिया थोड़ा सा खुश हो जाएगा। तो कौन से मुल्क हैं ऐसे जिनको ब्रिक्स के अंदर शामिल किया जा सकता है? मतलब अगर आप इंडिया के अपने पड़ोस में ही देखें तो इंडिया के पड़ोस में ही प्रो इंडिया मुल्क नहीं रहे। मतलब देखें, पाकिस्तान कोई प्रो इंडिया मुल्क नहीं है, नेपाल प्रो इंडिया मुल्क नहीं रहा, श्रीलंका इज नॉट अ प्रो इंडिया कंट्री, और बाकी तो आप देखें मालदीव है, मालदीव भी प्रो इंडिया नहीं है, छोटा सा कंट्री है लेकिन वो भी प्रो इंडिया नहीं है। तो आखिर कौन से मुल्क ऐसे होंगे जिनको इंडिया शामिल करवाना चाहेगा? वरना वो भी तो अपनी लिस्ट देते हैं ना, वो भी तो कहते हैं ना दूसरे मुल्कों को कि आप भी आ जाएं यहाँ पर ब्रिक्स में ताकि हम भी थोड़ा सा काउंटर करें चाइना को। लेकिन ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में ब्रिक्स के अंदर इंडिया का जो स्टेटस है वो डाउन होगा ही होगा। जैसे जैसे यहाँ पर मुल्कों की तादाद बढ़ती चली जाएगी तो इंडिया का असर ब्रिक्स के अंदर आपको डाउन होता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट वाले ब्लॉक का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है ब्रिक्स के अंदर, क्योंकि ये अमीर मुल्क हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास ऑयल है, इनके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। तो ये ब्लॉक जो होगा ना, मिडिल ईस्ट वाला ब्लॉक, ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है मेरे हिसाब से ब्रिक्स के अंदर।